जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों बात करेंगे IDBI बैंक के न्यू रिक्रूटमेंट जूनियर असिस्टेंट मैनेजर 2023 के ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। दोस्तों फॉर्म को कैसे फिल करना है आपको स्टेप बाय स्टेप प्रत्येक बिंदु पर ध्यान देते हुए समझाते हुए फॉर्म को फिल करके दिखाएंगे आपको। उसके बाद दोस्तों कुछ जरूरी बिंदुओं पर ध्यान देंगे, जैसे कि इसका जो रजिस्ट्रेशन की डेट है यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 15/9/2023 से स्टार्ट हो गया है और इसका लास्ट डेट है आपका 30/9/2023 तक। और जो आप एडिटिंग का इसका डेट है, फॉर्म मान लीजिए कुछ गड़बड़ी होती है तो यहाँ 30/9/2023 तक इसका एडिटिंग का डेट है। तो चलिए दोस्तों आपको लेकर चलते हैं इसकी नोटिफिकेशन पे। इसमें जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं मैं आप लोग को दिखा देता हूँ नोटिफिकेशन में। दोस्तों ये इसका नोटिफिकेशन है, आप इसको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ जो इसमें जरूरी है वो मैं बता देता हूँ, उसके बाद आपको फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा। यहाँ देखेंगे दोस्तों वैकेंसीज में यहाँ पे दिया हुआ है इसेंटियल क्वालिफिकेशन, यानी आपके पास जो डिग्री है ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, चाहे किसी भी स्ट्रीम से, आप BSc की हों, चाहे आर्ट्स से हों, चाहे साइंस से हो, चाहे कॉमर्स से हो, आपके पास बस एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ देखेंगे एज के लिए तो 20 से लेकर 25 साल के बीच में आपका एज होना चाहिए। और जो SC ST OBC के कैंडिडेट हैं उनको जो आयु में छूट मिलता है वो भी इसमें उनके अकॉर्डिंग मिलेगा। यहाँ पर देखेंगे नंबर ऑफ वैकेंसीज में 600 टोटल पोस्ट है और बगल में यहाँ देखेंगे आपके कैटेगरी वाइज आप लोग की सीटें यहाँ पे दिखाई गई हैं। जनरल SC ST EWS सबका सीट यहाँ पे निर्धारित किया गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखेंगे जो सिलेक्शन प्रोसेस है आपका CBT एग्ज़ाम टेस्ट के आधार पर होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम के आधार पर। यहाँ पर देखेंगे कैसा कैसा क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर दिया हुआ है लॉजिकल रीजनिंग दिया हुआ है, इंग्लिश लैंग्वेज है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल इकोनॉमिक्स करके यहाँ पे दिया हुआ है सब्जेक्ट, और कितने नंबर का आएगा, कितने पुरांक रहेगा, वहाँ ये सब दिया हुआ है। इसको आप एक बार पढ़ लेंगे, जहाँ नहीं समझ में आएगा हमको कमेंट कीजिएगा, मैं आपको कमेंट के माध्यम से जवाब दे दूँगा। ठीक है दोस्तों, अधिक देर न करके चलते हैं फॉर्म फिलअप प्रोसेस पे लोग, क्योंकि आप प्रैक्टिकल रूप से देखेंगे तो काफ़ी समझ में आएगा। दोस्तों फॉर्म फिलअप से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपके एक सब्सक्राइब से मुझे काफ़ी खुशी मिलेगी। दोस्तों यहाँ आ जाएंगे इसके ऑफिशियल पोर्टल पे, यहाँ क्लिक हियर न्यू रजिस्ट्रेशन आपको दिखाई देगा, सिंपल इस पर क्लिक कर देना होगा। क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से फॉर्म खुल के आएगा। यहाँ देखेंगे फर्स्ट नेम का ऑप्शन है, फर्स्ट नेम यहाँ भरेंगे अपना, जिस प्रकार से मैं भर रहा हूँ उसी प्रकार से आप भरिएगा। उसके बाद कंफर्म फर्स्ट नेम में अपना दोबारा से नाम को एंटर करेंगे, मिडिल नेम कोई होगा तो यहाँ पे डालिएगा, कंफर्म मिडिल नेम डालिएगा। उसके बाद लास्ट नेम यहाँ लिख दीजिएगा और कंफर्म लास्ट नेम में दोबारा से लास्ट नेम लिखेंगे, यहाँ ऑटोमेटिक फुल नेम आपका शो कर जाएगा। उसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर का ऑप्शन मिलेगा, मोबाइल नंबर को यहाँ पर एंटर करेंगे, कंफर्म मोबाइल नंबर में दोबारा से मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, यहाँ अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो दीजिए, नहीं तो इसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ईमेल आईडी आपको यहाँ फिल करना है, ईमेल आईडी कैसे फिल करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे XYZ आपका ईमेल आईडी है 1 2 3 करके, उसके बाद @ यहाँ देखेंगे पहले से ही लिखा हुआ है और यहाँ पर डोमेन नेम्स में अपना सेलेक्ट कर लेंगे, जीमेल है, हॉटमेल है, जो भी आपका मेल होगा उसको। उसके बाद यहाँ कंफर्म ईमेल आईडी में पूरा अपना ईमेल आईडी को एंटर करेंगे। उसके बाद इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे, फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों मैं अपना डिटेल्स को फिल करता हूँ, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, यहाँ देखिए पॉपअप आएगा तो इस प्रकार से आप जो है अगले पेज पे पहुँचेंगे, फोटो एंड सिग्नेचर वाले कॉलम पे। यहाँ देखेंगे फोटो सिग्नेचर लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड भी आपका मिल जाएगा। यहाँ फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करेंगे, इसकी गाइडलाइन क्या है मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। फ़ोटो और सिग्नेचर की गाइडलाइन को क्लिक करके इसमें सारी चीज़ मैं बता दूँगा आपको, क्या क्या इसमें जैसे थंब इम्प्रेशन भी लगाना है और जो कि हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन, तो सब दिखाता हूँ इसमें। यहाँ देखेंगे फोटोग्राफ आपका जो है कलर बैकग्राउंड फ़ोटो होना चाहिए, और जो बैकग्राउंड आपका रहेगा वो वाइट बैकग्राउंड रहेगा फ़ोटो का। उसके बाद जो साइज़ है फ़ोटो की वो आपका 20 से लेकर 50 KB के बीच का आपका साइज रहेगा फ़ोटो का, ठीक है। उसके बाद नीचे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है सिग्नेचर के लिए, सिग्नेचर आपका 10 से लेकर 20 KB के बीच का सिग्नेचर होगा, जो सिग्नेचर की साइज़ है। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे दिया हुआ है थंब इम्प्रेशन जो है आपका 20 से 50 KB रहेगा, और जो हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन है वो 50 से लेकर 100 KB के बीच का रहेगा। ठीक दोस्तों मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ अपना फ़ोटो वगैरह, यहाँ पे चेक बॉक्स पे टिक कर देंगे, अपलोड करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद आप आगे यहाँ पर आ जाएंगे डिटेल्स वाले ऑप्शन पर, डिटेल्स में यहाँ पर कैटेगरी चूज़ का सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर अपना कैटेगरी चूज़ करेंगे, SC हैं, ST हैं, OBC हैं, जनरल हैं, उसको चूज़ कर लेंगे।
उसके बाद देखेंगे अगला ऑप्शन मिलेगा आपको, आर यू ए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, आपको 40% दिव्यांगता है तो आप यस और नो में जवाब देंगे। यदि आप नो करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे इसे हाइड हो जाएगा, आपका हाइड हो जाएगा, नीचे बढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ अगला ऑप्शन देखेंगे, आर यू ए पर्सन विथ, ये भी आपका यदि लिखने में आपको दिक्कत है कोई तो यस और नो में यहाँ पर जवाब देंगे। उसके बाद नीचे बढ़ जाएंगे, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ देखेंगे ये सब हाइट किया रहेगा, फोटो आइडेंटिटी ये सब हाइट किया हुआ लगता है, बाद में ये मांगेगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे आपसे पूछ रहा है 1984 दंगों से रिलेटेड आप हैं या घर में कोई है, तो यस और नो में आप जवाब देंगे। उसके बाद यहाँ पे रिलीजियंस अपना सिलेक्ट करेंगे, आप हिंदू हैं बौद्धिस्ट हैं जो हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप माइनॉरिटी कमेटी से बिलोंग करते हैं तो यस नो में जवाब देंगे। यहाँ पे देखेंगे आर यू एक्स सर्विस मैन, एक्स सर्विस मैन है तो यस और नो में जवाब देना है। उसके बाद यहाँ देखेंगे प्लेस ऑफ द डोमिसाइल, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अपना लिखेंगे जहाँ पे आप निवास कर रहे हैं, अपने ज़िले का यहाँ पे नाम लिख देंगे। उसके बाद यहाँ देखेंगे स्टेट ऑफ डोमिसाइल, आपका निवास स्थान क्या है, किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, उस स्टेट को चूज़ करेंगे, जैसे उत्तर प्रदेश में हो तो उसको चूज़ करेंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ स्टेट ऑफ रेसिडेंस, वर्तमान में आप किस प्रदेश में रह रहे हैं उसको चूज़ कर लेंगे, यहाँ पे जैसे मैं उत्तर प्रदेश में हूँ तो वही को चूज़ करूँगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे अप्लीकेंट, यहाँ पे जोन दिखा रहा है, बैंक का जोन आपका लखनऊ हो जाएगा, यहाँ से अप्लाई करेंगे आप। नेशनलिटी जो यहाँ पे आप यहाँ पे इंडियन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ देखेंगे NCR द एग्जामिनेशन बिलोंग, यहाँ पे अपना एग्जामिनेशन सेंटर चूज़ करेंगे आप, किस प्रदेश में आप एग्ज़ाम देना चाहेंगे, जैसे मैं UP में ही देना चाहूँगा। उसके बाद सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ पे ज़िला को चूज़ करेंगे कहाँ एग्ज़ाम में आप बैठेंगे, ज़िले को चूज़ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे फोटो आइडेंटिटी कार्ड में आधार कार्ड चूज़ करके आधार कार्ड नंबर देंगे, यहाँ पे जो भी आपके पास आईडी होगा किसी एक को सिलेक्ट करेंगे और उसका नंबर जो है नीचे फिल कर देंगे, जैसे वोटर आईडी सिलेक्ट करके यहाँ पे आप फिल कर देंगे। उसके बाद नीचे पढ़ेंगे, यहाँ देखेंगे डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ से चूज़ कर लेंगे अपना जो भी होगा, जेंडर मेल है फीमेल है अदर्स है सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आप ट्विन ब्रदर यानी कि जुड़वा भाई बहन हैं तो यस और नो में यहाँ पे जवाब देंगे। उसके बाद यहाँ देखेंगे मैरिटल स्टेटस में मैरिड है अनमैरिड है, फादर्स नेम लिख देंगे, मदर्स नेम लिखेंगे, स्पाउस नेम आप छोड़ सकते हैं चाहे तो लिख सकते हैं, स्पाउस लिखेंगे तो अपने गार्जियन का नाम लिखना है यहाँ पे, एड्रेस फर्स्ट में अपने विलेज का नाम लिखेंगे, टू में पोस्ट का नाम लिख देंगे, थ्री में कोई थाना या ब्लॉक होता है तो उसको लिख दीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा इसको। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में जो है अपने ज़िले का नाम लिखेंगे, यहाँ देखेंगे स्टेट का ऑप्शन है, स्टेट अपना सेलेक्ट कर लेंगे आप किस प्रदेश से बिलोंग कर रहे हैं, अपना स्टेट को आप चूज़ करेंगे, यहाँ पिन कोड को एंटर कर देंगे अपने एरिया का जो भी पिन कोड होगा, एंटर करने के बाद यहाँ देखेंगे चेकबॉक्स आपको दिखाई देगा, इस पर टिक करेंगे तो ऊपर का पता इसमें ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। उसके बाद नीचे देखेंगे यहाँ 200 रुपये का फीस आपके कैटेगरी वाइज आपका फीस शो करेगा। उसके बाद वैलिडेट टू डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, इसका क्लिक करने का मतलब यह होता है यदि आप कोई कलम छोड़े हैं तो ये बता देता है इरर कि यहाँ पे इरर है, उसको आप सही कर सकते हैं। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करते दोस्तों आपको अगला ऑप्शन देखिए यहाँ मिल रहा है क्वालिफिकेशन डिटेल्स का, यहाँ ग्रेजुएशन यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ यहाँ पर देखेंगे ग्रेजुएशन लिखा हुआ है, यहाँ पर नेम ऑफ द कॉलेज में अपने आप महाविद्यालय का नाम लिखेंगे, यदि आप यूनिवर्सिटी से पढ़ें तो यूनिवर्सिटी का ही नाम यहाँ पर लिखिएगा। उसके बाद नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी में दोबारा से आप यूनिवर्सिटी का नाम लिख सकते हैं, यूनिवर्सिटी यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद देखिए अगला ऑप्शन आपको मिलेगा डिग्री सब्जेक्ट स्ट्रीम, यहाँ से चूज़ करना है आप आर्ट्स से पास हैं या BCom है BSc है BTech है जो है उसे आप चूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ इस पर क्लिक करेंगे, अपीयरिंग है या इसमें पास हैं तो उसको सिलेक्ट करिएगा, किस डेट को पास किए हैं उसको सिलेक्ट कर लेंगे, पासिंग डेट अपना, यहाँ परसेंटेज फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ देखेंगे तो अपना फर्स्ट है सेकंड है या सिर्फ पास है किसी एक को सिलेक्ट करेंगे जो भी आपके ऊपर लागू होगा। उसके बाद देखिए अगला ऑप्शन आपको मिलेगा सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ पे दिया हुआ है एकेडमिक ईयर, ईयर यहाँ पे फर्स्ट ईयर दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ सेमेस्टर, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर यहाँ पर आप में कितना नंबर पाए हैं, जैसे मैं 150 नंबर पाया हूँ फर्स्ट सेमेस्टर में 150 लिख दूंगा, फिर टोटल मार्क्स यहाँ पे एक सेमेस्टर 300 पूरा का होता है 300 लिख देंगे, यहाँ पे आपका जितना होगा उसको लिखेगा, मैं एक यहाँ पे डेमो दे रहा हूँ। फिर दूसरा सेमेस्टर यहाँ पे आप कितना पाए हैं 160 नंबर पाए हैं, फिर यहाँ पे कितना पाए हैं 300 पूरा का है दूसरा सेमेस्टर, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखेंगे सब सेव होते जाएगा जुड़ता जाएगा। उसके बाद यहाँ देखेंगे सेकेंड ईयर आपको मिलेगा, देखिए यहाँ पे जैसे मैं दिखा रहा हूँ 300 यहाँ पे 10 नंबर बन रहा है टोटल 600 पूरा का, ठीक है। उसके बाद यहाँ आएंगे सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर में यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे तीसरा सेमेस्टर दिखा रहा है, तीसरा सेमेस्टर में आप कितना नंबर पाए हैं
उसको फिल करेंगे, उसके बाद कितने पुराम का था उसको फिल करिएगा, फिर उसके बाद देखिए यहाँ चौथा सेमेस्टर है, चौथा सेमेस्टर में कितना नंबर पाएँ उसके बाद कितने पुराम का था उसको फिल करेंगे, यहाँ टोटल आपका होते जाएगा। देखिए आप 1200 हो गया क्योंकि 1800 नंबर का होता है पुरांग जो होता है ग्रेजुएशन का 1800 का होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए तीसरा ईयर आपका है, तीसरा ईयर में भी आप पांचवा सेमेस्टर यहाँ पे लिखेंगे कितने नंबर पाए हैं कितने में से। उसके बाद आप यहाँ पे छठा सेमेस्टर हो जाएगा उसको फिल कर देंगे। मैं एक डेमो तो यहाँ पर भर रहा हूँ, आप जो है जो आपका सेमेस्टर में नंबर होगा उसे भरिएगा। जब देखिए यहाँ पर 1800 हो गया टोटल हमारा पुरांग, यहाँ पर आपका परसेंटेज वगैरह सब ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ समय में आया है, अगर यहाँ नहीं समय आया होगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं कमेंट में आपका रिप्लाई दे दूँगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट पूछा है, जिस प्रकार से आप ग्रेजुएशन का फिल किए हैं सेम उस वही प्रोसेस है यहाँ फिल करने का। जैसे यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन में देखिए यहाँ पे कॉलेज नेम, यहाँ पे कॉलेज नेम अपना डाल देंगे, यहाँ यूनिवर्सिटी नेम पूछा है यूनिवर्सिटी नेम डालेंगे, यहाँ पे अदर्स पे क्लिक करके आप यहाँ पे अपना MA किए हैं या जो भी होगा उसको कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ प्रोफेशनल कोई क्वालिफिकेशन है तो इसको फिल करिएगा, नहीं तो इस सबको आप छोड़ सकते हैं, ये कोई मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, चाहे तो आप PG को भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए आपने पूछा कंप्यूटर का नॉलेज वगैरह के बारे में, तो यहाँ पे यस कर देंगे आप, नो मत करिएगा। उसके बाद डिटेल आप कंप्यूटर नॉलेज में बेसिक नॉलेज यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ पर यस ही करिएगा नो मत करिएगा, यहाँ बेसिक नॉलेज लिख दीजिएगा कंप्यूटर संबंधित। ठीक है, जिस प्रकार से मैं लिख रहा हूँ देख लीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए आपसे एक्सपीरियंस मांगेगा, नीचे आएंगे जवाब तो यहाँ पे एक्सपीरियंस है तो आप दे सकते हैं यस और नो में जवाब। नो अगर नो करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, नो कर दीजिएगा नहीं है तो। उसके बाद लैंग्वेज यहाँ पे अपना लिखेंगे, जो भी लैंग्वेज आप जानते होंगे जैसे हिंदी जानते हैं तो यहाँ पर हिंदी लिखेंगे। उसके बाद रीड राइट स्पीक तीनों के चेकबॉक्स पर टिक करते जाएंगे। उसके बाद जो भी भाषा आपको पता होगा उसको फिल करिएगा और उसी प्रकार से चेक करके यहाँ पर वैलिड योर डिटेल्स 7 करके आगे बढ़िएगा। आगे बढ़ेंगे देखिए आपका इस प्रकार से प्रीव्यू दिखाई देगा, प्रीव्यू दिखाई देगा, यहाँ चेकबॉक्स मिलेगा, चेकबॉक्स पे टिक कर देंगे, टिक करने के बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, पॉपअप आएगा, ओके करेंगे इस प्रकार से पेज लोड लेगा। यहाँ पे देखेंगे लेफ्ट इंप्रेशन लगाना है और हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन मैं पहले ही बता दिया हूँ कितना साइज रहेगा। उसके बाद भी यहाँ फिल करके 7 करके आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते ही ऐसे पॉपअप आएगा, ओके कर दीजिएगा। उसके बाद पेज इस प्रकार से लोड लेगा, यहाँ देखेंगे फीस आपका दिखाई देगा। उसके बाद इस कैप्चा को यहाँ फिल करेंगे, कैप्चा को फिल करने के बाद दोस्तों सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपको ले जाएगा पेमेंट के ऑप्शन पे। यहाँ पे पेमेंट का आपको कई सारे देखिए यहाँ पर गेटवे मिल जाएगा पेमेंट करने का ऑप्शन, पेज थोड़ा लोड लेगा। देखिए यहाँ पर कई सारे ऑप्शन है पेमेंट का, डेबिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, इंटरनेट बैंकिंग है, QR कोड है, QR कोड से भी आप क्लिक कर सकते हैं। QR कोड से करेंगे तो इस पर क्लिक करेंगे, मेक पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, मेक पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा दिखेगा इंटरफेस। उसके बाद प्रोसीड विद पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करिएगा, क्लिक करने के बाद देखिए पेज इस प्रकार से फिर लोड लेगा, लोड लेने के बाद यहाँ आपका आ जाएगा QR कोड, इसको स्कैन करके दोस्तों इस आप पेमेंट कर देंगे, आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा सब पेमेंट करते समय जो है कि कोई भी रिफ्रेश वगैरह मत कीजिएगा, नहीं तो आपका पेमेंट फंसने का चांस 100% होता है। तो इस प्रकार से आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोग को सेम में आई होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और बाय दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।